नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस वजह से रोका दुबई जाने से इंडियन एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो आधा अधूरा नॉलेज जो है ना वो बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। जब भी आप कुछ नॉलेज ले रहे हो ट्राई कीजिए उसको पूरा ले, ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अभी जैसे आपको पता है कि दुबई के लिए जो है फ्लाइट शुरू है, उसके बाद वीज़ा भी शुरू हो गया है, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं विजिट वीज़ा लेकर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हैं कि अब आप किस तरीके से जो है दुबई ट्रैवल कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है। अब मैं सारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है दोस्तों, कल एक वाकया हुआ, इंडिया का एक जाना माना एयरपोर्ट है वहाँ पर तकरीबन 25 लोगों को जो है दुबई ट्रैवल करते हुए रोका गया, ठीक है। क्यों पता है आपको? क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन से? जैसे PCR टेस्ट जो होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं था। अब आप बोलोगे किस तरीके से सर सही नहीं था, तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पहले भी बताया है कि जो भी PCR टेस्ट आप लोगे वो ICMR से ही होना ज़रूरी है, ठीक है। ये पता होकर भी शायद पता था उनको नहीं था। देखिए, आधा अधूरा नॉलेज कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो पूरा नॉलेज लेके करिए, क्योंकि जो भी नुकसान होगा, अभी देखिए उन 25 यात्रियों का, पैसेंजर्स का, जो टिकट के लिए उन्होंने जो पैसे जुटाए थे वो भी वेस्ट हो गए। मुझे लगता है दुबई आने के लिए कहीं से उन्होंने पैसे उधार लिए होंगे, किसी फ्रेंड से लिए होंगे, रिश्तेदारों से लिए होंगे, बड़े बड़े सपने रख के पैसे यहाँ से वहाँ से उठाए होंगे, और इस तरीके से अगर नुकसान हो जाता है तो, और मुझे बहुत बुरा लगा ये, ठीक है, ये जब वाकया हुआ। क्योंकि देखिए, सारा पता होकर अगर आप ऐसी तरीके से छोटी छोटी गलतियां नहीं करो, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे मैं डालता हूँ, किस लिए डालता हूँ? मिस कॉल देने के लिए डालता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है। टीम है मेरी इंडिया में, आपके लिए ही बिठाई है मैंने, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है आप कॉल कीजिए, वहाँ पे पूछिए सर क्या चाहिए, किस तरीके से हम लोग दुबई जा सकते हैं, किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे यहाँ से आना है तो मैं आ सकता हूँ क्या। इतने सारे मैंने वीडियोस पहले से बना के रखे, यहाँ पर नंबर डाले। अगर इस तरीके से सब पता होकर भी अगर आप गलतियाँ कर सकते तो मैं क्या करूँ दोस्तों, बुरा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे कुछ भी गलतियाँ ना करें, ठीक है। जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब तक आप दुबई ट्रैवल नहीं करो, नुकसान आपको होगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, यही छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाना था। तो इस तरीके से आगे भी मैं बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो लेकर आऊँगा। लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होगी। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।